This conference will now be recorded. Okay, great. Actually, I just came to the studio to take the class and there was some issue with the internet. Okay. But I can't still see many faces so far. चलो फिर दो चार मिनट वेट करते हैं या आप एटलीस्ट मीटिंग आईडी अपना शेयर कर दें व्हाट्सएप पे ताकि बाकियों को पता लग जाए कि उन्होंने कौन से आईडी पे आना है. अच्छा जी, हम स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे थे और स्ट्रक्चर को डिस्कस करते करते हम लोग एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया था. हमने मैट्रिक्स, आई गेस मैट्रिक्स तक हमने डिस्कस कर लिया था ना, फंक्शनल डिविजनल मैट्रिक्स एंड प्रोजेक्ट बेस्ड एंड टीम बेस्ड पे हमने स्टार्ट करना है. और उसके बाद स्पैन ऑफ कंट्रोल है आज का टॉपिक मेनली, तो आज हम स्पैन ऑफ कंट्रोल को डिस्कस करेंगे एंड वी विल कंक्लूड एट ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस. सैटरडे को हम क्लास नहीं कर सके एक्चुअली, वो रेगुलर क्लासेस सारी ऑफ थी पिछले तीन चार दिन से. बीइंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू हैड द प्रिविलेज टू यू नो हैव योर क्लासेस. आपकी क्लासेस ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुई बट अदर्स वर डिस्टर्ब्ड. ओके, स्टूडेंट्स आर आस्किंग फॉर आईडी, इसको शेयर कर देते हैं अपन पर. तो अच्छा, मैट्रिक्स में और प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर में की डिफरेंस वो ये है, मैंने शायद आपको बताया था कि प्रोजेक्ट की जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में परमानेंट होती हैं. दे आर परमानेंट, मतलब अगर लेट्स सपोज प्रोजेक्ट ए खत्म हो भी जाएगा या अगर प्रोजेक्ट सी खत्म हो भी जाएगा तो ये हॉरिजॉन्टल चेन ऑफ कमांड फिर भी रहेगी. अंतिम अंदर से कोई नया प्रोजेक्ट आए और वो कोई नया प्रोजेक्ट जो है वो ये प्रोजेक्ट मैनेजर उसको टेकअप करे, दिस विल स्टे. जबकि प्रोजेक्ट बेस्ड या टीम बेस्ड स्ट्रक्चर जो होता है उसमें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये टेम्पररी होती है. जब कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो आप एक टीम बनाते हैं, यू फॉर्म अ टीम, उस प्रोजेक्ट को आप एक लीडर असाइन करते हैं, वो लीडर जो है वो उस प्रोजेक्ट को फिर कंप्लीट करने की कोशिश करता है एंड एज सून एज द प्रोजेक्ट इज ओवर वो टीम भी डिसॉल्व हो जाती है. मतलब जो प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर होता है हमारा, दैट इज बेसिकली स्मॉल स्ट्रक्चर्स इन अ लार्जर स्ट्रक्चर. लाइक इफ दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशनल पिरामिड, पार्डन माय ड्राइंग, गोर्नी यहाँ पे अभी काम कर रहा है एक्चुअली मेरे लैपटॉप के साथ. यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसी स्मॉल पिरामिड्स इन अ लार्जर पिरामिड. वी हैव सो मैनी स्मॉलर पिरामिड्स इन अ लार्जर पिरामिड. हमारे पास छोटे छोटे पिरामिड्स के अंदर बहुत सारे, बड़े पिरामिड्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पिरामिड्स होते हैं. ये जो स्मॉल पिरामिड्स होते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अब और ये जो पिरामिड्स हैं, जो छोटे पिरामिड्स हैं, दे आर टेम्पररी, ये टेम्पररी होते हैं, ये परमानेंट नहीं होते. जैसे कोई प्रोजेक्ट आता है आप उस प्रोजेक्ट को इनिशिएट करते हैं, एक टीम बनाते हैं, फिर एज सून एज द प्रोजेक्ट इज ओवर, एज सून एज द टास्क इज कम्प्लीटेड, वो टीम भी डिसॉल्व हो जाती है. वी सिंपली डिसॉल्व दैट टीम, वो टीम जो है वो फिर स्टे नहीं करती, इट डज नॉट स्टे. इसे कहते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड या टीम बेस्ड स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज अ प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर और अ टीम बेस्ड स्ट्रक्चर. ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर प्रोजेक्ट बेस्ड और टीम बेस्ड स्ट्रक्चर इज मोर डायनामिक, ये ज्यादा डायनामिक होता है. इसके अंदर ज्यादा नहीं, देखिए बड़ा स्ट्रक्चर खत्म नहीं होता, ये छोटा पिरामिड खत्म हो जाता है.
स्मॉल पिरामिड्स, ये जो छोटे पिरामिड्स हैं ये खत्म हो जाते हैं। ऑब्वियसली बड़ा स्ट्रक्चर तो रहता है, डिपार्टमेंट्स तो रहते हैं। ये इंशाल्लाह टीम बेस्ड स्ट्रक्चर को आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे 9th चैप्टर में जाकर, जब क्वेश्चन ही हम टीम पे करेंगे, व्हेन वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द टीम्स। तो 9th चैप्टर विल बी यू नो अ बेटर सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि टीम्स कैसे काम करती हैं, टीम्स का ओवरऑल वे ऑफ डूइंग थिंग्स क्या होता है। एनी हाउ, तो ये टीम बेस्ड स्ट्रक्चर जो है ये पढ़े ना, कि प्रोजेक्ट टीम्स हम असेंबल करते हैं टू अकम्प्लिश अ टास्क सच एज इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू सिस्टम और अ न्यू प्रोसेस। प्रोजेक्ट टीम में डिफरेंट डिपार्टमेंट से लोग आते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से लोग यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं विद अ वाइड रेंज ऑफ स्किल्स लेके आते हैं, और प्रोजेक्ट टीम को फिर हम डिसॉल्व कर देते हैं एज सून एज वी हैव अचीव्ड आवर टास्क। तो प्रोजेक्ट टीम्स आर मेनली यूज्ड टू इंप्लीमेंट प्लान स्ट्रेटेजिक चेंज। ये पढ़ेंगे जाके 4th चैप्टर में, चेंज मैनेजमेंट का टॉपिक आएगा। सो वी वुड सी ओवर देयर कि किस तरह प्रोजेक्ट टीम्स जो है ये प्लान स्ट्रेटेजिक चेंज अप्लाई करने में आपकी हेल्प करती है। And as soon as you have achieved your goal, you have achieved your task, teams आपकी dissolve हो जाती हैं और आप ultimately अपने task को पूरा कर लेते हैं through project teams। हमने पढ़ा था मेट्रिक, ये यहाँ डिफरेंस दे रहा है आपको, हेयर इट इज द डिफरेंस। ये पढ़ेगा, ये पैराग्राफ पढ़े। मेट्रिक स्ट्रक्चर में और प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में फर्क ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कम्स टू एन एंड व्हेन द प्रोजेक्ट एंड्स। ये जो मैं अभी आपको पॉइंट बता रहा था डिसॉल्व होने का, कि वो टीम डिसॉल्व हो जाती है जैसे ही प्रोजेक्ट आपका पूरा होता है। विद मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी इज मोर परमानेंट। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो है अथॉरिटी का ये ज्यादा परमानेंट होता है, ये डिसॉल्व नहीं होता, ये खत्म नहीं होता। इवन दो के प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो गया बट दैट स्ट्रक्चर विल स्टे, वो स्ट्रक्चर जो है वो रहेगा और कोई नया टास्क आ जाएगा, कोई नया प्रोजेक्ट आ जाएगा, बट दैट स्ट्रक्चर विल बी इन द पोजीशन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर खत्म नहीं होता, वो स्ट्रक्चर जो है वो रहता है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर का और टीम बेस्ड स्ट्रक्चर, सॉरी मैट्रिक्स बेस्ड स्ट्रक्चर का और प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स बेस्ड स्ट्रक्चर जो होता है इट्स चेज, ये रहता है। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें कॉन्सेप्ट है स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल हमने याद है अरविक के मॉडल में पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर लिंडल अरविक ने डिफाइन किया था कि स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल who directly report to a manager in a hierarchy। एक hierarchical management या एक command structure में कितने लोग exactly, उसने कहा था 5 or 6 max होंगे, ये मतलब एक ideal situation। तो अगर एक बंदे का span of control जो है वो 2 है, ठीक है, तो person has a span of control of 2, ठीक है, तो means ये बंदा जो है ये हर एक के नीचे दो लोग का span of control है, ये tall structure पैदा हो गया 1, 2, 3, 4 जितना स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो होगा उतना स्ट्रक्चर टॉल होगा। तो ये नैरो जो है ये स्पैन ऑफ कंट्रोल को डिफाइन कर रहा है, टॉल बता रहा है कि स्ट्रक्चर की हाइट कैसी है, टॉल बता रहा है कि स्ट्रक्चर की जो हाइट है वो कैसी है। इसी तरह फ्लैट अगर होगा आपका, वाइड होगा अगर स्पैन ऑफ कंट्रोल, तो स्ट्रक्चर आपका फ्लैट होगा, स्ट्रक्चर आपका छोटा होगा। टॉल नैरो, वाइड फ्लैट, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल रेजेस टॉलर स्ट्रक्चर, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल रेजेस फ्लैटर स्ट्रक्चर। मॉस्केंटर याद करें, मॉस्केंटर ने कहा था कि फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशंस आर मोर एप्रोप्रिएट, दे आर मोर इंपॉर्टेंट। फ्लैटर स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशंस आर मोर फ्लेक्सिबल एंड दे आर मोर प्रोन टू चेंज, वो ज्यादा जल्दी चेंज हो जाते हैं। फ्लैट स्ट्रक्चर्स आर मोर इफेक्टिव एंड दे आर इट्स बेटर टू चेंज देम। सो टॉल नैरो स्ट्रक्चर्स आर रिजिड, टॉल नैरो स्ट्रक्चर्स जो होते हैं दे आर वेरी रिजिड, दे आर यू नो लाइक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स, ये ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, शेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टॉल एंड मेनी लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट। वाइड फ्लैट में लार्ज नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स रिपोर्ट टू अ सिंगल सुपरवाइजर, एज अ रिजल्ट इवन इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस देर आर ओनली फ्यू लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट। जब स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड होता है तो शेप ऑफ स्ट्रक्चर फ्लैट होती है और फ्यूअर नंबर ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। दो डायग्राम्स देखें, इट्स अ टॉल नैरो स्ट्रक्चर, यहाँ पे स्पैन ऑफ कंट्रोल 2 है,
और ये वाइट फ्लैट है, यानी यहाँ देखें आप कितने बंदे हैं पूरे इदारे में, हार्डली 6-7 लोग हैं पूरे इदारे में, एंड स्टिल यू हैव 4 लेयर्स ऑफ बेंच। और यहाँ पे देखें, इवन दो यू हैव मोर देन 25 पीपल, स्पैन ऑफ कंट्रोल 2 से मुराद ये है, लाइक दिस इज अ बॉस, और इसके नीचे ये दो सबॉर्डिनेट्स हैं, ये दो सबॉर्डिनेट्स, फिर इसके नीचे फर्दर दो सबॉर्डिनेट्स। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है नंबर ऑफ पीपल डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू इमीजिएट सुपरवाइजर। वो कह रहे हैं रिसेंट ट्रेंड्स जो हैं दे हैव बीन फ्लैटर, रिसेंट ट्रेंड्स आजकल के कहते हैं कि इदारों को डी लेयर किया जाए। रिमेंबर हमने पढ़ा था डी लेयरिंग का कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी के अंदर, डी लेयरिंग की है। हाँ बिल्कुल, टॉल लेयरों में डिसीजन मेकिंग स्लो होती है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिस स्लो होते हैं, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है, वो भी हम डिस्कस करते हैं इनके फीचर्स। अभी हम इनके रिस्पेक्टिव करेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, टॉल नैरो की और वाइड फ्लैट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टॉल नैरो के फीचर्स होते हैं कुछ, और अभी आप गौर फरमाएंगे तो टॉल नैरो के फीचर्स आपको सारे ब्यूरोक्रेसी वाले मिलेंगे। यू विल सी दैट मेजॉरिटी ऑफ दीज फीचर्स विल बी फाउंड इन ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। टॉल नैरो के फीचर्स में सबसे पहले तो फॉर्मल रिलेशनशिप होता है बिटवीन मैनेजर्स एंड सबॉर्डिनेट्स, दैट्स अ हाईली फॉर्मल रिलेशनशिप। देयर इज वेरी क्लोज सुपरविजन, सुपरविजन बड़ी क्लोज होती है। देर इज हाई टास्क स्पेशलाइजेशन, टास्क स्पेशलाइजेशन बहुत हाई होती है। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का फीचर है। स्ट्रॉन्ग कल्चर एंड प्रोसीजरल एम्फेसिस ऑन फॉर्मल रोल्स, जॉब टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, रिमेंबर ब्यूरोक्रेसी का एलिमेंट है। जॉब आर वेरी क्लियर, जॉब्स आर वेरी क्लियर, प्रोसीजर्स आर वेरी स्ट्रिंजेंट। स्लो वर्टिकल कम्युनिकेशन होती है क्योंकि बहुत सारे लेवल्स हैं, इंफॉर्मेशन ऊपर जाने में नीचे आने में बहुत टाइम लगता है, अगेन ब्यूरोक्रेसी का फीचर है। यू कैन वेरी क्लियरली सी कि टॉल नैरो स्ट्रक्चर हैज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ब्यूरोक्रेसी स्ट्रक्चर। टॉल नैरो स्ट्रक्चर में सारे फीचर्स जो है वो ब्यूरोक्रेसी वाले आ रहे हैं। इसके बरक्स वाइड फ्लैट स्ट्रक्चर जो होता है, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दे आर अ बिट फ्लेक्सिबल। यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इजलिटेरियनिज्म। एन इजलिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर पीपल आर म्यूचुअली रिस्पेक्टेड रिगार्डलेस ऑफ देयर पोजिशन, इसे कहते हैं इजलिटेरियनिज्म। इजलिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि आप अपने सबॉर्डिनेट को भी वही रेस्पेक्ट देते हैं क्योंकि वो ज्यादा स्किल्ड है, यानी स्किल की इज्जत होती है रादर देन पोजिशन। पीपल आर रेस्पेक्टेड बेस्ड ऑन देयर स्किल्स एंड देयर एक्सपीरियंस, पीपल गेन रेस्पेक्ट बिकॉज दे हैव स्किल एंड दे हैव एक्सपीरियंस, सो यू रिस्पेक्ट पीपल फॉर देयर एक्सपीरियंस एंड देयर नॉलेज रादर देन देयर हायरार्किकल पोजीशन। आप लोगों की हायरार्किकल पोजीशन की बजाय आप उनको जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं, उनके स्किल को रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी आप इज्जत करते हैं, ठीक है। ये टॉल वाइड नैरो सॉरी वाइड फ्लैट में होता है। वाइड फ्लैट में टीम वर्क और कॉपरेशन स्ट्रांग होती है, चूंकि स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड होता है तो डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। मैनेजर्स हैव टू मेनी सबॉर्डिनेट्स टू अप्लाई कंट्रोल, क्लोज कंट्रोल, तो मैनेजर को ट्रस्ट करना पड़ता है सबॉर्डिनेट्स के ऊपर। इसलिए अगर आपने स्ट्रक्चर को वाइड फ्लैट करना है तो यू हैव टू बिल्ड ट्रस्ट इन योर एम्प्लॉइज, यू हैव टू मेक श्योर। हाँ बिल्कुल, फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एम्पावरमेंट्स आर कंसिस्टेंट, एग्जैक्टली। जितनी एम्पावरमेंट ज्यादा होगी उतना स्ट्रक्चर फ्लैट होगा, अंडरस्टूड। द मोर यू एम्पावर द फ्लैटर द स्ट्रक्चर वुड बी, ये बड़े कंसिस्टेंट फिनोमेना। तो डेलीगेशन बेहतर होती है, ये डेलीगेशन इज एम्पावरमेंट है, ये एम्पावरमेंट ही है ना बेसिकली। फ्लेक्सिबल होता है, इंडिविजुअल्स कैन डू मोर देन वन जॉब, क्योंकि रोल्स और जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत प्रिसाइज नहीं होती, बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं होती। दे नॉट वेरी स्ट्रिंजेंट, दे आर क्वाइट फ्लेक्सिबल, ठीक है, कुछ फ्लेक्सिबल है, ठीक है। सो देर आर डिफरेंट वेज इन विच ऑर्गेनाइजेशन कैन ट्राई टू एकोमोडेट पीपल फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब, ठीक है। रैपिड वर्टिकल कम्युनिकेशन होती है, वर्टिकल कम्युनिकेशन क्विक होती है, डिसीजन मेकिंग क्विक होती है, इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स क्विकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप। ये पढ़ेंगे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहते हैं वाइडर फ्लैटर स्ट्रक्चर्स हैव रिप्लेस्ड टॉल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स एंड दैट इज व्हाई ऑर्गेनाइजेशंस प्रेफर
टू फोकस ऑन वाइड फ्लैट स्ट्रक्चर, क्योंकि फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स हैं, कॉस्ट इफेक्टिव हैं, सस्ते हैं, उसमें जो आपका वो जो है रिजिडनेस कम है, एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिवनेस ज्यादा है, आप ज्यादा एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स, ये पढ़ा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वाइड फ्लैट स्ट्रक्चर आर मोर सुटेबल टू रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट, इसे कहते हैं एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिवनेस. एग्जैक्टली, दे कैन रिस्पॉन्ड क्विकली टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट. जैसे आजकल टेक्नोलॉजिकल फर्म्स हैं, आईटी के इदारे हैं, ये बहुत ज्यादा चेंज को एंटिसिपेट करते हैं ना, बहुत ज्यादा चेंज को प्रैक्टिस करते हैं. सो एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर इंफॉर्मेशन क्विकली ट्रेवल करती है, डिसीजन मेकिंग क्विक होती है, वहां पे आपको वाइड फ्लैट स्ट्रक्चर चाहिए होता है रादर देन फॉर्मिंग एंड हायरार्किकल स्ट्रक्चर. कॉस्ट सेविंग होती है. दूसरा इंपॉर्टेंट फायदा वाइड फ्लैट का है कॉस्ट सेविंग. दिस स्ट्रक्चर इज हाईली कॉस्ट इफेक्टिव. हमने पढ़ा था कि डी लेयरिंग और डाउनसाइजिंग आप कॉस्ट कटिंग के लिए करते हैं ना, वी डाउनसाइज द ऑर्गेनाइजेशन एंड डी लेयर, तो वी हैव टू कट द कॉस्ट. हमें कॉस्ट कटिंग करनी होती है, हमें कॉस्ट कटिंग करनी होती है, एंड ओइंग टू दैट रीजन डी लेयरिंग की जाती है. दैट इज व्हाई वी डू डी लेयरिंग. So these are some of the ways in which white flat structure अभी अगर हम पढ़ेंगे mechanistic और organic structure भी आएगा. So mechanistic और organic structure में भी हम देखेंगे कि किस तरह organization जो है वो discuss करती है, लेके चलती है environment के मुताबिक अपने structure को. जी बिल्कुल, white flat में भी departments होते हैं, सब कुछ होता है, सिर्फ layers की hierarchy की जो layers है वो कम होती है. मतलब for example if I show you, okay, this is CEO, this is CEO, इसके नीचे different departments, यहाँ पे marketing manager, इसके नीचे दो assistant marketing manager हैं, इसके नीचे further दो junior marketing assistants हैं, इसके नीचे further आपका marketing का staff है. इस layer को remove कर दें, इस layer को remove कर दें, ये वाला department रहेगा आपका, लेकिन आपने delay कर दिया, क्योंकि cut short these two. बेसिकली व्हाइट फ्लैट का मतलब ये नहीं है कि डिपार्टमेंट्स नहीं होते, डिपार्टमेंट्स इतने ही होते हैं. वी हैव द सेम नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स इन द व्हाइट फ्लैट स्ट्रक्चर. ठीक, द ओनली थिंग इज कि आप उसमें डीलेयरिंग कर देते हैं, अब आप उसमें नंबर ऑफ लेयर्स को रिड्यूस कर देते हैं. इन अ व्हाइट फ्लैट स्ट्रक्चर वी रिड्यूस द नंबर ऑफ लेयर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, नंबर ऑफ लेयर्स रिड्यूस कर देते हैं. बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस जो होता है आपका, दैट काउंट्स अ लॉट. लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने वाइट फ्लैट या टॉल नैरो में से चूज करना है, नाउ इट विल डिपेंड दैट व्हाट देयर आर देयर प्लान्स आर, हाउ आर दे गोइंग टू इंप्लीमेंट देयर एक्टिविटीज एंड हाउ आर दे गोइंग टू कंट्रोल देम. ये भी मुमकिन है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का एक डिपार्टमेंट टॉल नैरो पे हो, दूसरा वाइट फ्लैट पे हो, ये भी पॉसिबल है. इसे कहते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर, या अगला पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आएगा. इट इज नोन एज हाइब्रिड स्ट्रक्चर. इसमें हाइब्रिड गाड़ियां होती हैं, एक गाड़ी पेट्रोल पे भी चलती है और बैटरी में भी चलती है, बहुत सारी गाड़ियां ऐसे आई ना हाइब्रिड मार्केट में देखते होंगे आप, टोयोटा की, होंडा की. टोयोटा की बड़ी मशहूर गाड़ी है प्रियस, और प्रियस इज अ हाइब्रिड कार. एवरीबॉडी नोस प्रियस, सबको पता है इस गाड़ी के बारे में. और प्रियस एक हाइब्रिड गाड़ी है. हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि वो डुअल पावर्ड सोर्स का है, उसमें दो पावर सोर्सेज है, एक पावर सोर्स उसका उसका पेट्रोल है और दूसरी पावर सोर्स उसकी बैटरी है. इसी तरह हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स भी होते हैं. एक ही वक्त में एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट वाइट फ्लैट है तो एक डिपार्टमेंट टॉल है. ये भी मुमकिन है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्ट्रक्चर अगर वाइट फ्लैट के तौर पर ऑपरेट कर रहा है तो दूसरा स्ट्रक्चर है वो टॉल नैरो होगा. ठीक, तो प्रोसेसेस जो है आपके ये डिफाइन करते हैं कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, आपका प्लान क्या होगा, एंड हाउ आर यू. तो एक एक्सट्रीम पे हमारे पास हमारे एक्शंस कंट्रोल होते हैं क्लोज सुपरविजन से, डायरेक्ट सुपरविजन से, और एक दूसरी एक्सट्रीम पे हमारी सुपरविजन मिनिमल होती है, कंट्रोल एक्सरसाइज होता है बाय द इंडिविजुअल हिमसेल्फ, ये वाइट फ्लैट में होता है. सो इट डिपेंड्स कि किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन में आप ऑपरेट कर रहे हैं एंड हाउ दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स, और उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके प्रोसेसेस डिफाइन करते हैं आपके स्ट्रक्चर. प्रोसेसेस डिफाइन स्ट्रक्चर, ये क्रक्स है इस टॉपिक का, कि आपके जो प्रोसेसेस हैं वो आपके स्ट्रक्चर को ले डाउन करते हैं, आपके स्ट्रक्चर को एस्टैब्लिश करते हैं, आपके स्ट्रक्चर को डिटरमिन करते हैं. ठीक, जैसे एग्जांपल पढ़े, सम इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैव डेवलप्ड वेरी कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स
which they sell to the customers of trade or trade for profit. Now, within a complex product selling, the senior management do not understand what is the product. उनको डिटेल नहीं पता. वो स्मॉल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट टीम्स पर रिलाय करते हैं कि वो नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करें जो कि कंसिस्टेंट हो बैंक की स्ट्रेटेजिक इंटेंट के साथ और उन प्रोडक्ट्स को वो सेल करें मार्केट में. नाउ दिस इज वेयर दे हैव टू डेलीगेट, दिस इज वेयर दे हैव टू गो फॉर वाइड फ्लैट स्ट्रक्चर. अच्छा, इसी इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर हो सकता है कि इनका कोई ऐसा डिपार्टमेंट हो जहां पे क्लोज सुपरविजन होती है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऑपरेशंस डिपार्टमेंट. अब ऑपरेशंस के डिपार्टमेंट में ये अहम मुमकिन है कि जो ऑपरेशन मैनेजर है वो क्लोजली ऑब्जर्व करता हो, मॉनिटरिंग करता हो टेलर्स की कि वो कितना कैश रिसीव कर रहे हैं, कैसे कैश काउंट कर रहे हैं. यानी एक ही इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर एक तरफ जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो इतने ही स्पेशलाइज्ड हैं कि आपको डेलीगेट करना पड़ता है एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड लोगों को वो अपने हिसाब से उसको सेल करें. और दूसरे डिपार्टमेंट में दिस इज एंटायरली पॉसिबल दैट योर डिसीजंस driven by the departmental head, centralization है और उसके साथ साथ क्लोज मॉनिटरिंग है, क्लोज सुपरविजन है. इसी सो ये दिस इज एंटायरली पॉसिबल दैट इन एन ऑर्गेनाइजेशन बोथ टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर अवेलेबल एंड बोथ टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल. दोनों किस्म के स्ट्रक्चर्स एक इदारे में पाए जा सकते हैं. ये जो टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का, दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर. ये इस चैप्टर का क्रक्स है. फॉर्मल इनफॉर्मल का डिफरेंस आया नहीं अभी तक, आ सकता है पेपर में, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू टॉक अबाउट. उसके बाद टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स में से एंटरप्रेन्योरियल पे क्वेश्चन आ चुका है, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ. फंक्शनल पे क्वेश्चन आ चुका है, मैट्रिक्स पे क्वेश्चन आ चुका है, प्रोजेक्ट बेस्ड पे नहीं आया और इधर से डिविजनल पे नहीं आया. तो डिविजनल स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आने के चांसेस बड़े ब्राइट हैं, बड़े वसी हैं. और प्रोडक्ट बेस्ड, अच्छा, हर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ डिस्कस करना, उसके बेनिफिट्स, उसके ड्रॉबैक्स को डिस्कस करना, ये तमाम चीजें आपको बताना चाहिए. सुपरविजन अगर ज्यादा चाहिए तो स्ट्रक्चर टॉलरेबल होगा, डेफिनेटली होगा. इफ यू नीड मोर सुपरविजन यू हैव टू बेटर टॉलरेबल स्ट्रक्चर, क्योंकि सुपरविजन अगर ज्यादा करिए तो क्या आप कंट्रोल कम कर देंगे ना. अगर आपने ज्यादा क्लोजली सुपरवाइज करना है then you will cut down the span of control. So when you will cut down the span of control, the structure will automatically transform into a taller one. Structure आपका खुद का खुद tall हो जाएगा अगर आप span of control में cut down करते हैं. So entrepreneurial, functional, divisional, अच्छा इनके मैंने अलग अलग से आपको benefits और drawbacks भी बता दिए थे, especially functional के और divisional के. इन दोनों के ज्यादा important है benefits और drawbacks. तो डू राइट इट डाउन इधर ऑन द टेक्स्ट बुक और साथ ही उसको नोट कर लें. वो जो आपको एक टेबल ड्रॉ करके दिखाया था मैंने, ठीक है, ताकि आप जब टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन मौजूद हो. सो दैट कवर्स आवर थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर व्हिच इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. चौथा पोर्शन जो है इस चैप्टर का, दैट विल टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप. इसके ऊपर क्वेश्चन आया था मार्च 2017 का जो पेपर था, दैट वाज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर इन बीएमबीएस विद द लोएस्ट पॉसिबल. मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही, कांट यू हियर मी? एक सही तो बोलिए, जस्ट अ मोमेंट आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन. एक सेकंड, लेट मी चेक. तो क्या बेहतर है कुछ? बेटर ना, अभी भी बेहतर नहीं है. वेरी चेंज जी, अब बेहतर
Is it better? Okay. चलें ग्रेट. तो मैं बता रहा था इंटरनल एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स के ऊपर. आपको इंटरनल रिलेशनशिप्स और एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स क्या होते हैं और कैसे ऑपरेट करते हैं. देखें, ऑर्गेनाइजेशंस हमने डिस्कस किया था सेकंड चैप्टर में, नेवर ऑपरेट इन आइसोलेशन, दे हैव एन एनवायरनमेंट टू ऑपरेट इन. हर इदारे की एक एनवायरनमेंट होती है जिसमें वो ऑपरेट करता है. वो एनवायरनमेंट इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है. और एक ऑर्गेनाइजेशन को जिस एनवायरनमेंट में वो ऑपरेट कर रहा होता है अपने रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने पड़ते हैं, चाहे वो इंटरनली हो एम्प्लॉइज के साथ हो, डिसीजन मेकिंग के लेवल पे हो, चाहे वो एक्सटर्नली हो कस्टमर्स के साथ हो, अलायंसेज हो, आउटसोर्सिंग के लेवल पे हो. रिलेशनशिप्स के बगैर ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजी यू हैव टू बिल्ड इफेक्टिव रिलेशनशिप्स. सो व्हेन यू पुट द प्लान इनटू एक्शंस दे हैव टू बी कोऑर्डिनेटेड बाय मेनी इंडिविजुअल्स within and outside the entity. जब एक इदारा अपने plans को action में डालता है, so those plans must be coordinated within and outside the organization. अब उन coordination को हम internal relationship में count करते हैं, where there are relationships within the different parts of the entity. एक इदारे के मुख्तलिफ parts के दरमियान जो आपके relationships होते हैं. And then we have external relationships, where the significant amount of the work is done by other entities and individuals who are outside the boundary of the organization. यानी एक इदारे में जो काम हो रहे होते हैं ना, उसमें internal relationship में we talk about those parts जो internally operate करते हैं, और external relationship में we talk about those parts जिनको हम externally align करते हैं अपना काम करवाने के लिए. Internal relationship में the most important concern is decision making. Decision making can be centralized, can be decentralized. Remember, in fact, आप भी आने वाले कल के managers हैं, you can mark this thing down कि जो चीज आपको अपनी job पे सबसे ज्यादा differentiate करेगी वो आपकी decision making capacity होगी. Remember that. आप इंशाल्लाह firms में जाएंगे within months hopefully, तो you will see that the thing which will differentiate you from your competitors, from your peers, your colleagues, that is going to be your decision making authority, how effective decision maker you are. In fact, aapka boss bhi aapke decisions pe rely karta hua aapko delegate karega, aapko authority dega. You see, to ek bada important aspect internal relationship ka hai, that is decision making. And decision do levels pe hote hain, they can be centralized and they can be decentralized. Centralization, the सारे के सारे decisions एक point पे लिए जा रहे हैं, mainly top management, head office सारे decision ले रही है. और decentralized से मुराद ये है कि जब decision making को हमने separate कर दिया throughout the organization and we have given authority to the lower level people to make decisions. हमने lower level people को, lower level जो हमारे employees हैं, उनको हमने ये authority दे दी है कि वो decision making कर सकते हैं. That is a decentralized job. Examination point of view से आपको सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स दोनों आने चाहिए. आपकी बुक सिर्फ बेनिफिट्स को डिस्कस करती है, ड्रॉबैक्स को डिस्कस नहीं करती. तो हम इसके ड्रॉबैक्स को भी साथ साथ ड्राफ्ट करेंगे. वी विल आल्सो टेलर द ड्रॉबैक्स एज वेल. सो जब हम बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन की, तो सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर मैनेजमेंट रिटेन्स ऑल द डिसीजन एंड ऑल द अथॉरिटी टू मेक द डिसीजन. डिसीजन मेकिंग कर रही है, अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था फ्योल के मॉडल में. हेनरी फ्योल भी यही कहता है ना कि सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए स्ट्रक्चर, लेकिन वो तो खैर क्लासिकल मैनेजमेंट थी अर्ली 20th सेंचुरी या लेट 19th सेंचुरी में. तो वो कॉन्सेप्ट काम आ जाता था कि सारे के सारे डिसीजन एक जगह पे होने चाहिए. लेकिन अब आजकल दौर है टेक्नोलॉजी का, आजकल दौर है डेवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी का, आजकल दौर है डेलीगेशन का. आजकल सारे डिसीजंस एक पॉइंट पे होना, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस और दैट डजंट काउंट मच. सो सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट सारे डिसीजन खुद रखती है, जबकि डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर द अथॉरिटी टू टेक मेजर डिसीजन इज डेडिकेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ यूनिट्स एट लोअर लेवल, एसबीयू लेवल पे, डिवीजनल लेवल पे, इवन फंक्शनल लेवल पे. डिपेंड करता है किस किस किस्म का डिसीजन आप डेलीगेट कर रहे हैं. Decisions can be delegated at SBU level, decisions can be delegated at functional level, decisions can be delegated at divisional level, depending upon the nature of decision you are going to delegate.
But that's very important. Whether to be centralized or a decentralized organization, there is no right and wrong answer. आपका ये ज़्यादा centralized हो या decentralized हो, इसका कोई सही या गलत जवाब नहीं है. ये purely depend करता है कि आपकी preference क्या है. What is your preference? Senior management की preference क्या है? Size पे depend करता है इदारा कितना बड़ा है, इदारे की complexity क्या है. Understood है ना? एक entrepreneurial structure तो कभी decentralized नहीं होगा. That would be centralized. एक entrepreneurial structure तो कभी भी decentralized नहीं होगा. हाँ, green structure decentralized ही होगा. It can never be centralized. अगर वो centralized रखेंगे आप, so that would create problem. वो मुसाइन पैदा करेगा आपके लिए. तो it depends on various factors. इसमें इदारे का size है, उसकी complexity है, उसके nature of operations है, ठीक है, वो कितना expanded है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपने किस हद तक कंट्रोल्स को सेंट्रलाइज रखना है या डिवॉल्व भी डिसेंट्रलाइज कर देना. एक बड़े इदारे को हेड ऑफिस से कंट्रोल करना बहुत मुश्किल. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम हेड ऑफिस. तो उनको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी देनी पड़ती है. जी, सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर के अंदर जैसे कोई एग्जाम्पल, I am a CEO of a multinational organization जिसके operations जो हैं पूरी दुनिया में फैले हुए हैं. और अगर एक centralized structure के तहत मेरा इदारा operate करना है पाकिस्तान की market के मुताबिक, अगर कोई नया product launch करना है आपने, तो अगर centralized structure है तो पाकिस्तानी management पहले head office से पूछेगी कि क्या हम ये वाला product launch कर दें. Do we launch this product? अगर डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर है जो कि ज्यादा केसेस में होना चाहिए, तो पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है दे विल बी अथॉरिटेटिव एनफ टू मेक अ डिसीजन अबाउट लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन पाकिस्तान. जैसे नेस्ले है, अब नेस्ले पाकिस्तान एक डिवी है, एसपीयू है. नेस्ले पाकिस्तान में अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो नेस्ले पाकिस्तान ने स्विट्जरलैंड हेड ऑफिस से नहीं पूछना. उन्होंने उनसे राय नहीं लेनी ना. उन्होंने सिर्फ अपनी वो आप समझ लें स्ट्रेटेजिक प्लान है या फिर किसी रिपोर्ट में मेंशन कर देना है कि हम ये प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, हमने लॉन्च कर दिया, ठीक है. सो यस, व्हेन यू टॉक अबाउट अ डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर, इट मींस दैट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज गिवन टू द लोअर लेवल मैनेजर. या लोअर लेवल से बात लोअर लेवल नहीं है. डिसेंट्रलाइज करने का मतलब ये नहीं होता कि आप डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी लोअर लेवल वर्कर को दे देंगे या नॉन मैनेजर को दे देंगे. डिसेंट्रलाइज करने का मतलब ये है कि आपने एक ग्रीनल या फंक्शनल लेवल पे डिसीजन मेकिंग पावर दे देंगे. नहीं नहीं, वो एक अलग तरह है. कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग की दूसरा डेफिनेशन वो है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट. देखें, अपने सबॉर्डिनेट्स की इनपुट लेना डिसीजन मेकिंग के अंदर, लेकिन डिसीजन मेकिंग अपने हाथ में रखना, दैट इज पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट. दैट इज अ शेप ऑफ अ फॉर्म ऑफ सेंट्रलाइजेशन. ये एक फॉर्म है सेंट्रलाइजेशन. It is not decentralization. It is one way to win the support of your subordinates by giving them or allowing them to decision making process mein apni input de sakte hain. Input lena is not decentralization, not at all. That is only consensus building. Decentralization ka matlab ye hota hai ki maine decision making ke apne subordinate ko de diya, tum jo marzi karo mujhe bas aage bata do, mera decision le lo. That is decentralization. So decentralization के अंदर आप decision making authority अपने subordinate को transfer कर रहे हैं. Participative management और decentralization ये दो अलग अलग चीजें हैं. Not confuse them. Do not confuse them. Collective decision making कह रहे हैं, participative management कह रहे हैं. हाँ, employees की input देते हुए अगर मैं उनको decision making उन्हीं को दे दूँ तो ये decentralization. देखिए, सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन की जो डिफरेंशिएशन है दैट लाइज इन द पॉइंट वेयर डिसीजन इज बीइंग टेकन. डिसीजन कहां पे लिया जा रहा है? अगर डिसीजन जूनियर लेवल पे या सबॉर्डिनेट लेवल पे लिया जा रहा है तो ये डिसेंट्रलाइजेशन. और अगर डिसीजन आप खुद ले रहे हैं बीइंग द टॉप मैनेजर, तो ये सेंट्रलाइजेशन. तो ये डिपेंड करता है कि डिसीजन मेकिंग पॉइंट कहां पे है. डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी. डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एक अलग कहानी है, उस पर भी हम नहीं जाते, उसमें बात जाएंगे. उस पर हम बात करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट लीडरशिप 8th चैप्टर. ये प्रोसेस क्या है डिसीजन मेकिंग का, लोगों से पूछा गया, राय ली गई, उनको इन्वॉल्व करवाया गया, उनको
उनको ये मोटिवेट किया गया. प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड द पॉइंट वेयर डिसीजन बीइंग टेकन, ये दो अलग अलग चीज है. सो डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन द पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेस ऑफ डिसीजन. ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस किया आपने. थैंक यू सो मच सलाम फॉर दैट. सो आई होप दिस पॉइंट इज नाउ क्लेरिफाइड कि कंसेंसुअल डिसीजन मेकिंग और सेंट्रलाइजेशन में फर्क होता है. अ कंसेंसुअल डिसीजन मेकिंग कैन बी सेंट्रलाइज्ड, कैन बी डिसेंट्रलाइज्ड, दोनों हो सकते हैं. कंसेंसुअल डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज्ड भी हो सकती है, डिसेंट्रलाइज्ड भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग कहां पे. आप सबॉर्डिनेट की इनपुट लेके, उनकी राय लेके आपको डिसीजन मेकिंग है, ये भी कंसेंसुअल डिसीजन मेकिंग है. या फिर आप सबॉर्डिनेट्स की राय लेके उनको सिर्फ गाइड करें और उनको अलाउ कर दें डिसीजन मेकिंग, ये भी कंसेंसुअल डिसीजन मेकिंग बट डिसेंट्रलाइज्ड. सो डिसीजन मेकिंग कैन बी कंसेंसुअल और बट इन कंसेंसुअल इट कैन ईदर बी सेंट्रलाइज्ड और So, choice of centralized or decentralized decision कहाँ से आती है? From where does it come? It comes from the senior management. उनके ऊपर depend करता है इदारे के size पे, इदारे के model के ऊपर. What are the benefits of centralization? जब डिसीजन टॉप मैनेजमेंट लेती है तो दे हैव अ होलिस्टिक व्यू, पूरे इदारे को सामने रख के डिसीजन लेते हैं, ठीक है ना. उनकी जो डिसीजन मेकिंग होती है दैट इज वेयर दे आर इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट द होल ऑर्गेनाइजेशन इन अ वेरी यू नो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है डिसीजन मेकिंग के कि आप कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव को एज अ होल देख रहे होते हैं, पार्ट एंड पार्सल में आप डिसीजन ही ले रहे होते. वेल कोऑर्डिनेटेड इफ टेकन सेंट्रली, स्पेशली अगर एक इदारा क्राइसिस से गुजर रहा है तो क्राइसिस में इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन सेंट्रली. अच्छा, अब इसके जो एडवांटेजेस हैं ये इसके ड्रॉबैक्स बन जाएंगे और जो इसके बेनिफिट्स हैं वो उसके ड्रॉबैक बन जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, डिसेंट्रलाइजेशन का एडवांटेज क्या है कि लोकल मैनेजर्स माइट हैव बेटर नॉलेज. तो सीनियर मैनेजर्स जो हैं वो लोकल मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग देंगे, दे कैन मेक बेटर यूज ऑफ द लोकल नॉलेज. और यही पॉइंट इसका ड्रॉबैक भी है ऊपर वाले का, कि चूंकि सेंट्रलाइजेशन में हम लोकल मैनेजर्स को पावर नहीं देते, अथॉरिटी नहीं देते, सो वी माइट मिस सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच लोकल मैनेजर्स वुड हैव. ये बात समझ आ रही है ना. वी हैव टू प्ले अराउंड, आपने खेलना है इसके साथ. इसके बेनिफिट्स को आपने ऊपर वाले के ड्रॉबैक्स में कन्वर्ट करना है और इसके बेनिफिट्स को आपने नीचे वाले के ड्रॉबैक्स. फॉर एग्जांपल, इसका बेनिफिट क्या है? डिसीजंस आर वेल कोऑर्डिनेटेड. तो इसका ड्रॉबैक क्या हो सकता है डिसेंट्रलाइजेशन का, कि डिसीजंस माइट नॉट बी वेल कोऑर्डिनेटेड, डिसीजंस शायद वेल कोऑर्डिनेटेड ना हो. अरे बात समझ के नहीं आ रही, तो यू हैव टू प्ले अराउंड, ठीक है. लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दोनों आने चाहिए. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों के बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स आने चाहिए. यू शुड बी नोइंग बोथ, ठीक. यू शुड बी नोइंग बोथ. काफी आज के लिए, बोर तो नहीं हो गए? I hope you are not getting bored. चलें फिर कल इंशाल्लाह ये decentralization के benefits और drawbacks को review करके कल external relationship पे बात करेंगे. आज हमने जो discuss किया वो summarize करा दो. आज हमने mainly test upload हो गया, check कीजिएगा, नहीं तो मैं टी ऐसे कहता हूँ upload कर देगा. I will look into it. आज हमने project based structure से start किया था, जो कि हमने last week matrix तक cover किया था. We completed matrix last time. So we started with the project based and team based structure. We discussed span of control, tall, narrow, wide, flat और दोनों के अलग अलग characteristics. We discussed organizational process and how organizations make choice to choose a tall, narrow versus wide, flat structure. फिर हमने बात की ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप्स की, इंटरनल एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स क्या होते हैं,
सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, ये पहला कंसर्न होता है डिसीजन मेकिंग का, विच इज इंटरनल रिलेशनशिप. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने इंटरनल रिलेशनशिप्स को सस्टेन करना, होल्ड करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. तो हमने डिस्कस किया कि सेंट्रलाइजेशन के बेनिफिट्स क्या होंगे, इसके ड्रॉबैक्स क्या होंगे. कल इंशाल्लाह हम डिसेंट्रलाइजेशन से स्टार्ट कर लेंगे, कल हम इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे और कल हम कॉन्टिनजेंसी थ्योरी में इंशाल्लाह बर्न एंड स्टॉकर तक डिस्कस करेंगे, मैकेनिस्टिक वर्सेज ऑर्गेनिक. परसों होपफुली वी विल लुक फॉरवर्ड टू, परसों तो नहीं शायद थर्सडे को, इंशाल्लाह बाय थर्सडे हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर लेंगे. बाय थर्सडे वी विल बी इन अ पोजीशन टू रैप अप दिस चैप्टर. ठीक है, इन द मीन टाइम कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू डिस्कस ऑन व्हाट्सएप. कल परसों ने देखा था माशाल्लाह, इट वॉज वेरी हेल्थी डिबेट ऑन व्हाट्सएप. आई गेस अनीसा ने इनिशिएट की थी और काफ़ी अच्छे इनपुट्स दिया आप लोगों ने उसमें, दैट वॉज ग्रेट. इस तरह की हल्की, मतलब पढ़ मैं सब रहा होता हूँ ऑब्वियसली, बट व्हेन आई फील कि मुझे बीच में जंप करना चाहिए, देयर आई डेफिनेटली गिव माई कमेंट. बट एज फार एज आई फील कि आप लोग सही नोट्स पे जा रहे हैं, तो मैं फिर बीच में कमेंट नहीं किया करता, इससे आपकी लर्निंग इफेक्ट हो सकती है. सो दैट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस, डू मेक बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ दैट प्लेटफॉर्म एज वेल. ठीक है, चलें फिर इंशाल्लाह, सी यू टुमारो, कल मिलते हैं इंशाल्लाह. थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.